अस्सलाम वालेकुम क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। बच्चों, कल हमने आपकी किताब की नज़म शिकवा, जो सफ़ा नंबर 18 पर मौजूद है, उसके पहले बंद की तशरीह करी थी, उसको समझा था। आज हम इसका दूसरा बंद पढ़ेंगे और उसे समझेंगे, ठीक है बच्चों? दूसरा बंद है, हमसे पहले था अजब तेरे जहाँ का मंजर, कहीं मस्जिद थे पत्थर, कहीं माबूद शजर। मस्जिद कहते हैं बेटा सजदा करने वाले को, माबूद कहते हैं जिसकी इबादत की जाए, ठीक है? खूगर पैकर महसूस थी इंसान की नजर, खूगर कहते हैं बेटा आधी को। मानता फिर कोई अन देगे खुदा को क्यों कर, तुझको मालूम है लेता था कोई नाम तेरा, कुवते बाजुए मुस्लिम ने किया काम तेरा। जी तो बच्चों, इस शेर में क्या बताया, इस बद में क्या बताया जा रहा है कि मिल्लत इस्लामिया से कबल तो खुदा तेरी, शायर कह रहे हैं कि मिल्लत इस्लामिया से कबल खुदा तेरी दुनिया की अजीब व गरीब कैफियत थी, कहीं तो पत्थरों को और कहीं लोगों ने दरख्तों को अपना माबूद बनाया हुआ था। शजर कहते हैं बेटा दरख्तों को, ठीक है, माबूद बनाया हुआ था, ये लोग उन्हीं की परस्तिश करते थे। हकीकत यह है कि इंसान इन अशिया को अपना खालिक समझने का आदि हो चुका था, जिसके वजूद को खुद महसूस कर सके। इस सूरत में तुझे कौन मानता कि जो हमेशा नजरों से ओझल रहता है। ये हकीकत भी है कि तेरे इल्म में है कि इन दिनों कोई शख्स भी तेरा नाम लेने और तेरी इबादत करने का कायल ना था, सिर्फ अहले इस्लाम की कुव्वत ईमान और कुव्वत बाजू ही थी जिनके सबब कायनात के गोशे गोशे में तेरा नाम आम हो गया और हर तरफ तेरी इबादत होने लगी। जी तो बच्चों, इसमें शायर अल्लामा इकबाल जो है वो मुसलमानों के बारे, वो इस्लाम से कबल के हालात के बारे में बता रहे हैं कि उस वक्त क्या था कि लोग जो थे वो दरख्तों को और पत्थरों को अपना माबूद समझते थे, उन्हीं की परस्तिश करते थे, क्योंकि वो अपनी नजरों से खुदा को नहीं देख रहे थे, तो वो जिसका दिल चाहता था वो उसकी परस्तिश करते थे। तो ये अहले इस्लाम ही की कुव्वत ईमान और कुव्वत बाजू ही की वजह से क्या हुआ कि हर तरफ अल्लाह ताला का नाम आम हो गया और हर तरफ अल्लाह ताला की ही इबादत होने लगी। जी तो बच्चों, हमने आज इस बंद की तशरीह करी, समझा बेटा? आप तशरीह को बहुत ध्यान से, मफहूम को बहुत ध्यान से सुना कीजिए, क्योंकि इस तरह से आपको तशरीह करनी आएगी। आप इसको अपनी कॉपी पे राइट डाउन भी करते रहा करें साथ साथ मेरे लेक्चर के, ताकि आपको तशरीह करना आ जाए, ठीक है बेटा? आज का आपका होमवर्क टास्क ये है बेटा कि आज आपने काफिया और रदीफ की तारीफ लिखनी है अपने ग्रामर पोर्शन में, यानी कि उर्दू कवायद के पोर्शन में। जहां आपने कल मज़्ज़त और मखमस की लिखी थी, आज हम काफिया और रदीफ की लिखेंगे। बेटा, ये काफिया और रदीफ की जो तारीफ है वो आपके सफर नंबर 19 पर मौजूद है, कवायद के पोर्शन में। काफिया कहते हैं बेटा वो हम आवाज और हम आहंग अल्फाज जो अशार के आखिर में बार बार आए, काफिया कहलाते हैं। जैसे कि इसमें आ रहे हैं, आपकी इस नजम में भी आ रहे हैं, शिकवान में भी आ रहे हैं, मंजर, शजर, नजर, कर, ये सब क्या है, काफिया अल्फाज है। और रदीफ किसे कहते हैं, हर शेर के आखिर में काफिया के बाद बार बार दोहराया जाने वाला लफ्ज या अल्फाज रदीफ कहलाता है। रदीफ का हर नजम या गजल में होना जरूरी नहीं, लेकिन काफिया जरूरी है। काफिया तो होता है लेकिन रदीफ जरूरी नहीं होता, ठीक है बेटा? तो आपकी दोनों डेफिनेशंस आपकी किताब के सफर नंबर 19 पर मौजूद है। आप इसको अपनी कॉपी में उतार लीजिएगा उर्दू कवायद के पोर्शन में। इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास में मिलेंगे इसके बंद नंबर 3 की मफहूम के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।